हिमाचल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मिशन रिपीट का दावा कर रही भाजपा ने शिमला से विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। इसी कड़ी में शिमला में रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो विधानसभा से पीटरहॉफ तक निकाला गया। इसके बाद नड्डा ने पीटरहॉफ में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीटरहॉफ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में लंबे समय तक शासन किया और जनता का हक छीना है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद हिमाचल का हक मिला है। केंद्र की स्कीमों में 90:10 का रेशो अब हिमाचल को मिल रहा है। हिमाचल को बीजेपी ने देने का, कांग्रेस ने लेने का काम किया। 5 सालों में प्रदेश में 6384 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। नड्डा ने कहा कि जयराम शरीफ हैं, बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। वैक्सीनेशन में हिमाचल जयराम ठाकुर के नेतृत्व में नंबर 1 पर आया। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिमला पहुंचने पर जेपी नड्डा का स्वागत किया। जेपी नड्डा ने रोड शो में हिस्सा लिया। विधानसभा से पीटरहॉफ तक रोड शो निकाला गया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज के साथ। अगर आप अपने क्षेत्र की कोई समस्या या अन्य कोई खबर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। आप अपनी न्यूज हमें भेज सकते हैं EWN24news@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 8988765225 पर।